close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया के स्ट्रॉन्गेस्ट यूट्यूब चैनल एसकेडी ऑल इन वन पे। गाइज, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आप लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट को मिस ना कर पाए। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच। वी आर वेरी नियर टू 10,000 सब्सक्राइबर्स। द सपोर्ट यू गाइज हैव गिवन टू मी, दैट इज लाइक यार कोई वर्ड्स नहीं है उसके लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया। कुछ मैं ज्यादा नहीं कह सकता, राइट, क्योंकि मेरे वर्ड्स कम पड़ जाएंगे। आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया, इतने छोटे से समय में हम एक बहुत बड़ी फैमिली यहाँ पे बन करके आए हैं। और गाइज देखिए, एक चीज़ बोलना चाहूँगा, हेटर्स तो सब जगह होते हैं, राइट। हेटर्स, जब कोई आदमी कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करता है, कुछ भी चीज़ स्प्रेड आउट करने की कोशिश करता है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, तो हमारी दुनिया में इतने जालिम लोग हैं जो उनकी टांग खींचने में बिल्कुल भी देरी नहीं करते। तो इसी तरीके से मुझे भी एब्यूजिव कमेंट्स आते हैं, तो मैं उन लोगों के बारे में कभी ये सोचता हूँ कि यार उस आदमी के पास कितना टाइम है, वो कितना वेला है, वो कितना फ्रस्ट्रेट है, उसके पास कुछ करने के लिए नहीं है, इतना वेला आदमी है वो, राइट। और वो वीडियो देख करके, पहले वीडियो देख रहा है फिर उसमें नेगेटिव कमेंट कर रहा है, राइट। मैं तो आप लोगों को ये बोलूंगा कि भाई अगर आप वीडियो देखते हैं, किसी की भी वीडियो में नेगेटिव कमेंट ना करें, एटलीस्ट उसने कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगा रखे हैं, राइट, उसके एफर्ट्स की केयर करें यार। और फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड, जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि संगठन अभी एक नेक्स्ट लेवल पे कार्रवाई करने जा रहा है, जैसे ही ये क्वारंटाइन, ये कोविड 19 का सीन खत्म होता है। 14 तारीख की डेट है, आगे देखिए क्या होता है, राइट। तो जैसे ही ये खत्म होता है उसके बाद संगठन बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। वो चीज मैं क्या कार्रवाई करेगा, वो चीज मैं अभी रिवील नहीं करूंगा। और मैं कालू जी की आपको एक लेटेस्ट अपडेट सुनाता हूँ। गाइज, आपको अपडेट सुन करके आपके गूज बम्स खड़े हो जाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ, कि संगठन वाले एक्चुअल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राइट। तो उसको दिखाने से पहले मैं आप लोगों को व्यू दिखा देता हूँ। लुक एट द व्यू गाइज, कितना अमेजिंग मौसम हो रहा है। धूप काफी तेज है लेकिन मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, यू कैन सी दैट, हरियाली, राइट। सो मैं आप लोगों को कालू जी की अपडेट सुनाता हूँ गाइस। यह ऑडियो सिर्फ और सिर्फ निवेशक भाइयों के लिए है। गुर्गा, चमचा, बड़े लीडर, प्रमोटर, इन जैसे लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि इन जैसे लोगों ने तो बहुत पैसा कमाया है सिंगल सिंगल आईडी से, लोगों को गुमराह खूब किया है सिंगल सिंगल आईडी से, लोगों से इन्वेस्ट करा करा कर इन लोगों ने खूब पैसा कमाया है, और जो पैसा इन्होंने कमाया है उस पैसे को भी ये कहीं गुना कर चुके हैं, जैसे प्रॉपर्टी में, किसी बॉन्ड में, शेयर में, या इंटरेस्ट पर देकर किसी भी माध्यम से इन्होंने उस कमाई हुई रकम को कई गुना कर लिया है। और आज ऐसे ही लोग लोगों को कार्रवाई न करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मेरा तो निवेदन सिर्फ निवेशक लोगों से है कि आज सब हम सभी निवेशक वेंटिलेटर पर है, जहां थोड़ा यदि सतर्कता रखी तो जी जाएंगे और नहीं रखी तो मरना ही है, ऐसी स्थिति में आकर पहुंचे हैं। अब ऑपरेशन ही एकमात्र जरिया बचा है। ऑपरेशन से मेरा मतलब न्यायिक कार्रवाई से है, और इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। अब तक इन गुर्गे और चमचे लोगों ने इतना मोटिवेट किया और हर तरह से इन लोगों ने लोगों को भ्रमित किया कि एक, दो या चार नहीं, 19 महीने निकाल दिए। यह अपने आप में इनकी चालाकी का प्रमाण है, इनकी धूर्तता का प्रमाण है, और इनकी अंधभक्ति का प्रमाण है कि लोगों को इन्होंने किस तरह गुमराह किया, क्योंकि इन लोगों का कोई रुपया लगा हुआ नहीं है। और यहां तक कि इन लोगों ने जो
निवेशक भाइयों से कैश रुपया लिया था वह भी इन लोगों ने कंपनियों में जमा भी नहीं कराया, वह रुपया भी इनके पास बहुत कुछ बचा हुआ था। तो ये तो मना करते ही रहेंगे और करते रहे हैं, आगे भी करेंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कभी भी ऐसा कोई मौका है जिससे इनको वापस पैसा देना पड़े। अब निवेशक को अपना सोचना है, जब तक निवेशक अपना नहीं सोचेगा तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। हालांकि इन लोगों ने, इन गुर्गे चमचे लोगों ने, बड़े लीडरों ने गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इस दौरान, इस 19 महीने के दौरान जो जो लोगों ने न्यायिक कार्रवाई की है, भले ही उन्होंने कम प्राप्त किया हो या ज्यादा प्राप्त किया हो, लेकिन प्राप्त किया जरूर है। कई अफवाहें उड़ी हैं, लेकिन अफवाहें बिना आग के धुआं नहीं उठता। मिला उन्हीं लोगों को है जिन लोगों ने न्यायिक कार्रवाई की है। ये अपने मनसूबों में जब तक कामयाब हो गए होते रहेंगे, तब तक, जब तक कि निवेशक अपना स्वयं का भला नहीं समझेगा। आगे भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि निवेशक आज स्वयं खुद कुछ अपना करना नहीं चाहता। क्या आप लोगों को कैसा वादा निभाना है, क्यों निभाना है, किस लिए निभाना है, आप अपना भला सोचिए। न्यायिक कार्रवाई आप व्यक्तिगत कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं कर सके तो जो संगठन द्वारा कार्रवाई की जाएगी उसमें हिस्सा बने, अन्यथा भूल जाइए। क्योंकि आज 19 महीने पहले जो निवेशकों की यूनिटी थी, एकता थी, और जहां जगह जगह धरना प्रदर्शन हुए थे, आज वे सब लोग कहाँ हैं? नहीं है साहब, उन लोगों की भीड़ में कई तो प्रमोटर थे जो उनको भी कहीं ना कहीं अंदेशा था कि कंपनी चल सकती है, इसीलिए वो उस समय धरना प्रदर्शन में हिस्सेदार रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे इन लोगों को मालूम होता गया कि कंपनी नहीं चलने वाली है, ये लोग गायब हो गए। हुए कि नहीं, आज आपका फोन उठाते हैं कि नहीं, या उठाते भी हैं तो किस तरह आपको गुमराह करते हैं, ये साहब आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए अपना पैसा निकालना है या लेना है तो आप अपना व्यक्तिगत प्रयास कीजिए। जो कर चुके हैं तो ठीक, नहीं किए हैं तो वापस कीजिए, प्रयास कीजिए, अन्यथा आप अपने आप को कोसने के अलावा और कोई कर नहीं सकते। यदि आप कुछ नहीं कर सके तो संगठन के माध्यम से आज रामनवमी के दिन अपने आप से शपथ लीजिए कि आप अपना पैसा लेकर ही दम लेंगे, आप अपना पैसा लेकर ही दम लेंगे। इस प्रकार की शपथ लीजिए। इसके अलावा और कोई चारा है ही नहीं। एक शपथ आप स्वयं निवेशक खुद भी ले सकते हैं कि मैं अपना पैसा लेने के लिए पानी हाथ में लेकर शपथ लेता हूं कि जब तक मैं अपना पैसा नहीं निकाल लेता तब तक मैं स्वयं भी कार्रवाई करूंगा और अन्य सभी निवेशकों को भी इस संदर्भ में प्रेरित करूंगा, क्योंकि एक दूसरे का सहयोग करना ही सबसे बड़ी सफलता का रहस्य है। आप अपना व्यक्तिगत तो कीजिए ही, लेकिन सभी को प्रेरित भी कीजिए। जब तक एक बहुत बड़ा माहौल क्रिएट नहीं होगा तब तक सफलता मिलनी नहीं है। इसलिए सभी निवेशक स्वयं अपना कार्रवाई कीजिए और सभी निवेशक भाइयों तक अपना संदेश जरूर पहुंचाइए और एक दूसरे को प्रेरित कीजिए। हाँ, यदि वह निवेशक है तो अवश्य कार्रवाई करेगा, यदि नहीं है तो वह भी उन गुर्गों की लिस्ट में शामिल है जो लोगों को रोकना चाहते थे।
तो गाइज आपने कालू जी की अपडेट को सुन लिया है और शायद आपको अपडेट पसंद आई होगी, और कुछ ऐसे भक्त होंगे जिनको ये अपडेट पसंद नहीं भी आई होगी। आई होप, आई नो दैट कि हेट्स बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं, लेकिन इट्स माई ड्यूटी टू प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन ओवर माई यूट्यूब चैनल, ओवर द कम्युनिटी, राइट। सो यही सब कुछ है, और संगठन बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रहा है आपके और हमारे, हम सब नॉर्मल जो भी लोग हैं उन सारे लोगों के लिए, कि जल्द से जल्द उन लोगों का पैसा उन तक पहुंचे, राइट। एक्चुअली हम ये चाह रहे हैं और हमारा कोई मोटिव नहीं है। मैनेजमेंट वाले भी कहते हैं कि हमारा भी यही मोटिव है, हम भी लोगों का पैसा दिलवाना चाहते हैं, और संगठन वाले भी यही कहते हैं, लेकिन मैनेजमेंट वाले 19 महीने से यही कह रहे हैं। और चलो, कहते हैं देर होती है अंधेर नहीं होती है, संगठन पहले बना होता तो ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती। कोई बात नहीं, संगठन अभी बना है और हम बहुत डेडिकेटेड हैं इस चीज़ को करने के लिए, और फ्यूचर मेकर के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन सब लोगों तक उनका पैसा पहुंचाने के लिए, राइट। आई होप आपको मेरी अपडेट पसंद आई होगी। गाइज अगर पसंद आई है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे कि उनको सारी चीज़ें समझ में आ पाएँ, राइट। और गाइज एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, ड्यू टू COVID-19 बहुत सारे लोगों के घर में प्रॉब्लम भी है, और किसी के घर में बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, उनका ख्याल रखें। अगर आप उनसे टच में नहीं हैं तो एक फ़ोन कॉल आपकी उनको एनर्जी का काम कर सकती है। अगर आप घर से दूर हैं तो कॉल कर करके उनसे बात करिए, उनसे उनकी हेल्थ के बारे में पूछिए कि आप कैसे हैं, क्या है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अपना ख्याल रखें, घर से बाहर ज़्यादा ना निकलें, विटामिन सी का इंटेक करें। ये सारी चीज़ें अगर वो लोग करते हैं तो डेफिनेटली सेफ जोन में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये कोई पिल नहीं है, मैजिक पिल, कि हमने नींबू खा लिया, हमने संतरा खा लिया तो हमको COVID-19 नहीं होगा, ऐसा नहीं है गाइस। ये सारी चीज़ें हमारा इम्यून को बूस्ट करने में हेल्प करती हैं, विटामिन सी का इंटेक, सिट्रिक जिसमें होता है उसको अगर हम इंटेक करते हैं तो उससे हमको बेनिफिट होता है, राइट। तो गाइस अगर आप लोगों ने मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जिसमें हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड वीडियोज आती हैं, SKD फिटनेस हैकर्स चैनल का नाम है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको, आपके लिए वहाँ पे बहुत अमेजिंग कंटेंट मिलेगा। मैंने अभी एक लेटेस्ट वीडियो वहाँ पे अपलोड करी है वेट गेनिंग मास गेनिंग शेक के रिगार्डिंग, जो कि आप घर में प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई फैंसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो जाकर के ज़रूर देखें, राइट। तो मैं वीडियो को यहीं पे ओवर कर रहा हूँ। थैंक यू सो वेरी मच, आई लव यू ऑल गाइज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।